भारतीय संविधान एवं नागरिकों का कर्तव्य विषय पर आज कोंकण भवन सूचना कार्यालय में एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रमुख वक्ता एवं लेखक सुभाष वारे ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने नागरिकों से संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों के पालन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपनिदेशक डॉक्टर गणेश मूले समेत कई उच्च अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के निमित्त आज कोंकण भवन मुख्यालय में भारतीय संविधान और नागरिकों का कर्तव्य विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजपत्रित अधिकारी महासंघ, सामाजिक न्याय विभाग और सूचना विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में संविधान विशेषज्ञ एवं लेखक सुभाष वारे ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में उपनिदेशक डॉक्टर गणेश मूले, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर गणेश धुमाल, सहायक संचालिका मीनाक्षी वैद्य एवं जीएसटी उपायुक्त कमलेश नागरे समेत कई उच्च अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। संविधान अभ्यासक सुभाष वारे ने यहाँ नागरिकों से अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन का आह्वान करते हुए कहा कि 70 सालों बाद भी हम संविधान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए देश में आरक्षण, बेरोजगारी जैसी तमाम सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं। उन्होंने कहा कि समाधान चाहिए तो संविधान को समझना और उसका सही अमल करना होगा। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि भारत देश में आज जितनी भी सारी समस्याएं हैं, सामाजिक तनाव है, विद्वेष है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 70 साल हो गए संविधान लागू किए हुए, अभी भी ये समस्याएं अपनी जगह पे है, तो इस संविधान का क्या उपयोग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने संविधान को ठीक तरीके से समझा नहीं है। संविधान के पूर्व इस देश में मुट्ठी भर लोगों को विशेष अधिकार थे। संविधान ने मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों को निरस्त करते हुए सभी लोगों को एक समान करने की कोशिश की। अभी ये चीज सिर्फ कागज पर लिखने से नहीं हो सकती है। आखिरकार संविधान एक सपना है, वो सपने को साकार करने के लिए इस देश के सभी नागरिकों को, सभी जाति धर्मों के नागरिकों को संविधान को समझते हुए, संविधान क्या करना चाहता है ये समझते हुए, उस संविधान का अमल अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, अपने पारिवारिक सभी परंपराओं में और राज्य व्यवस्था के माध्यम से इसका आग्रह धरना चाहिए। एक संविधान का अभ्यासक के नाते मुझे पूर्ण भरोसा है कि संविधान की जो अनदेखी हमने 70 साल की है उसको दूर करते हुए संविधान के अमल को अगर हम गंभीरता से लेंगे तो भारत देश के बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं। हमारे संविधान में आज भी उतनी ताकत है, संविधान आज भी उतना प्रासंगिक है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए प्रमुख वक्ता सुभाष वारे ने संवैधानिक साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सूचना विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता है, इसकी जानकारी देने ऐसे कार्यक्रम हर जगह आयोजित करने की जरूरत है। आज यहाँ कोंकण भवन में सामाजिक न्याय विभाग, माहिती आयुक्त कार्यालय और राजपत्रित कर्मचारी संगठना, ये तीनों ने भी ये जो प्रयास किया, इस तरीके के बहुत सारे प्रयास होने चाहिए। और मेरा ये अनुभव है, हम हमारे साथियों के साथ 10 साल से युवाओं के साथ, किसानों के साथ यही कोशिश कर रहे हैं और उसका एक निश्चित फायदा हो रहा है। तो संविधान साक्षरता ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।